हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषिराज और आप देख रहे हैं वन अवो ऑल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है एक 5 रुपये का सिक्का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और साथ ही उसी सिक्के से मैं बनाऊंगा कॉपर नाइट्रेट के क्रिस्टल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और ये है 5 रुपी कॉइन। तो सबसे पहले मैं बीकर में नाइट्रिक एसिड को डालूंगा। और फिर अपने 5 रुपये के सिक्के को इसमें डाल के देखूंगा कि क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फटाफट रिएक्ट करना चालू कर देता है, क्योंकि हमारा सिक्का बनता है मोस्टली कॉपर का। इस रिएक्शन के दौरान बनता है कॉपर नाइट्रेट और ब्राउन कलर की फ्यूम्स, जो कि है डेंजरस नेचुरल डाइऑक्साइड गैस। इस रिएक्शन ख़त्म होने के बाद हम बनाएंगे कॉपर नाइट्रेट के क्रिस्टल्स। ये रिएक्शन लगभग कंप्लीट हो गई है और हमारा सॉल्यूशन भी बहुत गर्म हो गया है। तो चलिए अब अपने सिक्के को निकाल के देखते हैं उसका क्या हाल हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिक्का लगभग ख़त्म ही हो गया है। अगर इसमें थोड़ा और नाइट्रिक एसिड डालते तो ख़त्म ही हो गया होता। अब मेरे पास बचा है बीकर में लगभग पूरा कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, जिसके मैं अब क्रिस्टल्स बनाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसे 1 या 2 दिन तक बाहर रखूंगा ताकि सारा एक्सेस नाइट्रिक एसिड और वाटर इवेपोरेट हो जाए। आप देख सकते हैं क्रिस्टल्स बन चुके हैं, लेकिन ये अभी भी गीले हैं। इन्हें सुखाने के लिए मैं इनको टिश्यू पेपर रखूंगा ताकि मुझे एकदम ड्राई क्रिस्टल्स मिले। अब मैं इन्हें पूरी रात के लिए छोड़ दूंगा ताकि ये क्रिस्टल्स ड्राई हो जाए। देख सकते हैं क्रिस्टल्स पूरी तरह से ड्राई हो गए हैं। अब मैं बड़े टुकड़ों को क्रश कर दूंगा। ये कॉपर नाइट्रेट के क्रिस्टल्स मैंने इसलिए बनाए क्योंकि आगे कई केमिकल रिएक्शन में काम आएंगे।